एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, हमारा नया वीडियो आ गया है और ट्रिकी वीडियोस अभी तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहे हैं। आपने देखे हैं या नहीं देखे? नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखिए। और अब हम इस वाले पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि हम ट्रिकी शूट कैसे करते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं और कैसे हम एक पूरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिकी वीडियो होता क्या है, तो आपने वो वाले वीडियो देखे है क्या जिसमें मैं अपने आपको मिटा देती हूँ या वाइपर चला देती हूँ खुद पर? तो वो है हमारे ट्रिकी वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया ट्रिकी वीडियो। सो गाइस, ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं इंदौर में, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है विजयनगर में। एंड आपको जो यहाँ पर दो स्टूडेंट दिखाई दे रही है मेरी, ये है, एक तो है महाराष्ट्र से और एक है बिहार से। तो हम ना बहुत ज्यादा अलग सा कुछ प्लान कर रहे हैं यहाँ पर। हमने एक टेबल बनाई है और फ्रेम बार बार मैं यहाँ पर आकर सेट करवा रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर फ्रेम में दिखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऊपर और नीचे के साइड ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। एंड यहाँ पर हमने जो टेबल बनाई है उसको हम कट कर रहे हैं, क्योंकि हम पेंटिंग के रंगोली बनाएंगे। अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज आप वीडियो जाकर देखो, या फिर लास्ट में हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे, पहले आप प्रिपरेशन देख लो। तो ये हमने फेक टेबल यहाँ पर बनाई है, जो कि थोड़ी सी बेंड हो गई है पेंटिंग के रखने के बाद। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें कॉमेंट किया है कि ये जो पेंटिंग है ये रियल नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये पेंटिंग रियल ही है। हमने ऑनलाइन क्लास में इसे सिखाया था, ऑयल पेंटिंग वाली क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। सो ये रियल पेंटिंग है, रियल पेंटिंग को हमने यहाँ पर रखा है टेबल पर। तो यहाँ पर थोड़ी सी बहस चल रही है कि कौन किस साइड से ड्रॉ करेगा। सो यहाँ पर मैं सभी को समझा रही हूँ कि कैसे उन्हें प्रॉपर एक्टिंग करनी है, कैसे उन्हें थोड़ा सा स्माइल रखनी है फेस पर, थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करना है जैसे ही रंगोली बन जाए, या फिर पेंटिंग बना रहे तब उनको कैसे एक्सप्रेशन रख रहे हैं। यहाँ पर रंगोली की जो स्पेस है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ कि कितनी जगह में रंगोली बनेगी और किस टाइप से बनेगी। हमने उन दोनों को हटा दिया है। एंड बोर्ड भी कट करना पड़ेगा, अगर हम नीचे रंगोली बना देते हैं और हम बोर्ड कट नहीं करते तो रंगोली तो दिखाई नहीं देगी, सिर्फ बोर्ड दिखाई देगा, या फिर हमें बोर्ड के ऊपर रंगोली बनानी पड़ेगी। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई देखता है तो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगेगा कि बोर्ड कट गया है और नीचे रंगोली बन गई है। एंड रंगोली बनाना हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। रंगोली में बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने कौन कौन से कलर्स यूज़ किए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रंगोली सीखना चाहते हैं उनको टिप मिल जाएगी यहाँ से कि हम कौन कौन से कलर यूज़ करते हैं स्क्रीन शेड में। तो यहाँ पर पूरी टीम मिलकर रंगोली बनाती है, क्योंकि एक वीडियो शूट करने में 2 दिन लग जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि और बहुत ज़्यादा शूट्स भी रहते हैं और ऑनलाइन क्लास भी रहती है, तो हम पूरी टीम लग जाती है एक रंगोली को बनाने में। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम सब ने मिलकर रंगोली बनाई है, और मेरे हाथ भी पूरे ख़राब हो गए हैं, मैं कैमरा नहीं पकड़ सकती क्योंकि पूरा कलर उसमें लग जाएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट शॉट कम्प्लीट हो गया है कि मैंने आके इतनी मेहनत पर हाथ फेर दिया। यहाँ पर हमने हमारी टेबल जो थी उसको कट किया, गोली बनाई थी हमने पेंटिंग की, और ये दोनों यहाँ पर लड़ाई कर रही थी। कैसा लगा? फिर से मेहनत को हमने मिटा दिया। तो मैं फाइनल रिजल्ट देख लेती हूँ कि प्रॉपर शूट हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं तो यही काले हाथ अमर के फेस पर जाएंगे। पूछे क्यों तोड़ा? सो गाइस, यहाँ पर हमारी वीडियो हो गई है पूरी कंप्लीट। एंड अब हम देखते हैं हमारा ट्रिकी वीडियो, स्टार्ट करते हैं। कैसा लगा आपको हमारा पूरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए आप, और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।